जगाला शांतीचा संदेश देणारे इस्लाम धर्माचे प्रेषित प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या जयंती निमित्ताने नायगाव खैरगाव पिंपळगाव येथील मुस्लिम बांधवांनी नायगावच्या दारुल उलूम बनात नुरी प्लॉट येथून असकाळी मिरवणुकीला प्रारंभ करून शहरातील महामार्गावरून डॉक्टर हेडगेवार चौक शिवाजी चौक नुरी चौक मार्गाने मिरवणूक शांततेत हजरत सय्यद वकल शहावली दर्गावर संपन्न झाली आहे. मिरवणूक शहरातून जात असताना सर्व धर्मीय व्यापारी बांधवांनी जागोजागी मिरवणुकीचं स्वागत करून पाणी पाऊच बिस्किट पुढे फळे चॉकलेट आणि सर्व त्यांचं वाटप करून मिरवणुकीत सहभाग नोंदवला होता. मिरवणूक शिवाजी चौकात आल्यानंतर मदिना मस्जिदचे इमाम हजरत इस्लाम खान मिसबाही यांनी उपस्थित सर्व धर्मियांना प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी सांगितलं की पैगंबरांचा जन्म हा जगाला शांती निर्माण करण्यासाठी झाला असून पूर्वीच्या काळात मानवात अराजकता माजवून गेली होती. मानवात माणूस की स्नेहप्रेम वृद्धंगीत होण्यासाठी आणि मानवाला शांततामय जीवन जगण्यासाठी मानवी संहिता ही पैगंबरांनी घालवून दिली. मानवाला एकमेकांविषयी आदराची भावना आपुलकीची शिकवण दिली. त्यावेळी भव्य मिरवणुकीत सय्यद रहीम शेठ हाजी अब्दुल्ला सिद्दीकी हाजी अब्दुल मजीद बागवान हाजी नवाज कुरेशी हाजी रहमतुल्ला जामा मस्जिदचे इमाम महबूब साहब मदिना मस्जिदचे इमाम इस्लाम खान मिसवाही मुफ्ती शाकर साहब कोलंबी इमाम मकदूम मौलाना पत्रकार सय्यद मतीन सय्यद शफी मोहम्मद होस पठान सय्यद जाफर शेख अयूब शेख आदम सय्यद बाबू सय्यद अली मुल्ला शेख युसुफ मुल्ला शेख रफीक शाह मौला साहब कुरेशी खैरगावचे सरपंच सय्यद मेहता शेखचंद साहूस अब्दुल करीम चाऊस हाजी दस्तगीर शेख हाजी दस्तगीर शेख अहमद हाजी बड़े साहब मोहसिन पठान मेनोद्दीन मुल्ला खयूम पापा मिया शेख युनूस मुजाहिद सिद्दीकी हाजी तौफिक बागवान आदींसह हजारोंच्या संख्येने उपस्थित मिरवणूक शांततेत संपन्न झाली. यावेळी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. आज हमारे नायकों में जो जश्न ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकला ये सर्व धर्म समभाव का प्रतीक है. ये जुलूस हमारा आज से तकरीबन 25-30 साल से निकलता लेकिन पिछले दो साल से कोरोना की वजह से हमने दो साल जुलूस नहीं निकाला. गवर्नमेंट के वजह से ऑर्डर थे. हमारे जुलूस में सबसे पहले तिरंगा है, उसके बाद हमारे सब ध्वज है क्योंकि ये पैगम्बर जयंती है. ये पैगम्बर जयंती में जो हमारे पैगंबर ने संदेश दिया सर्व धर्म सम भाव का वो हम संदेश लेते हुए चलते हैं. यहाँ पर हमारे जुलूस में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी जाति धर्म के लोग हमें साथ देते हैं. यहाँ पर कोई आज तक भी कोई तरीके का दंगा या कोई अड़चन कोई तकलीफ नहीं हुई हमारे लोगों को. हम भी हर हिंदू समाज के हर संत त्यौहार में हम भी आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर हिंदू समाज के लोग भी हमारे हर त्यौहार में हर संत में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं. यहाँ पर वसंत राव चौहान के नेतृत्व में हम सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अशोक राव साहब का भी नेतृत्व है जो हम यहाँ पर सब एक दूसरे मिलजुल कर चलते हैं. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा देते हुए चलते हैं. ये जुलूस एक ऐसा जुलूस है. अभी यहाँ पर देखे आपने कि एम्बुलेंस आ गई तो हम सब लोगों ने हमारा रास्ता खाली कर दिया था. इसलिए हम जो है शांति प्रिय लोग हैं. हमारा समाज शांति प्रिय है. हमारा सब इस्लाम धर्म शांति प्रिय है. यह सब संदेश हम लोगों तक पहुंचाते हैं. यहाँ पर मैं सबसे पहले हमारे अशोक राव साहब और हमारे वसंत राव चौहान साहब हमारे नायगांव के तमाम हिंदू भाई व्यापारी भाई सब पत्रकार भाई हम सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे को इस जुलूस में हमें बहुत साथ दिया. यही मैं दुआ करता हूँ कि हमारा इस मुल्क शांति अमन का जो एक ऐसा मुल्क बने कि यहाँ पर हमेशा शांति रहे. कोई दंगा ना हो कोई फसाद ना हो. यहाँ पर हम शांति से सब जी रहे हैं और शांति से रहेंगे इंशाअल्लाह. न्यूज 15 मराठी साठी हनुमंत चंदनकर नायगांव.